हे गाइस व्हाट्स अप। तो यार जब से मैंने नए फ्लैट में शिफ्टिंग करी है काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई सेटअप टूर दिखाओ अपना। तो आज से लगभग 2 साल पहले मैंने अपना एक गेमिंग रूम स्लैश यूट्यूब रूम जो है उसका पूरा टूर दिया था। उसके बाद से अभी जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पहले मैं सिंगल मॉनिटर सेटअप यूज़ करता था, छोटा टीवी यूज़ करता था, बट अब जो है भाई वो ट्रिपल मॉनिटर सेटअप हो गया है। प्लस इस साल मैंने नया पीसी भी लिया था जनवरी फरवरी में, तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। ये जो आप रूम देख रहे हो साइड में, इसको मैंने पूरा बनाया इसीलिए है कि यहाँ पर मैं प्रॉपर गेमिंग कर पाऊँ। हालाँकि अभी कम थोड़ी कर पा रहा हूँ गेमिंग, बट हाँ यूट्यूब स्टूडियो आप कह सकते हो। तो देखना है, चलो दिखाता हूँ। तो चलो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। तो भाई यहाँ पे मैं करता हूँ पूरा अपना वीडियो शूट, जो मेरा अनमोल जायसवाल चैनल है उसके लिए, जहाँ पे टेक वीडियोज़ या फिर गेमिंग जो अनबॉक्सिंग वीडियोज़ होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ अपना ट्राईपोड जिसपे मेरा माउंट रहता है कैमरा। ये मेरा पुराना कैमरा है कैनन का M50। थोड़े दिन में मैं शिफ्ट हो जाऊंगा सोनी में, अभी सीख रहा हूँ। इसके अलावा 2 लाइट्स रहती है, लेफ्ट में एक और एक राइट में सॉफ्ट बॉक्स। तो जो लेफ्ट वाला है ये तो पहले का ही है मेरा, काफ़ी सोनिया कंपनी का। मैंने 5,000 के 2 लिए थे ये चांदनी चौक से, बट रिसेंटली मैंने इसको अपग्रेड किया है गोडोक्स की लाइट से। तो इसका मॉडल था कुछ SL60। हाँ तो ये मेरे को अंगद भाई ने रिकमेंड करी थी, काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी मुझे कुमार जी से। तो ये लाइट आने के बाद ना भाई वीडियो क्वालिटी कुछ अलग ही लेवल की हो गई है और मज़ा आता है मतलब इस लाइट में शूट करने का। इसके अलावा यहाँ ये मेरी चेयर है, गेमिंग चेयर सर्कल की CH80। ये मेरे को लिए 2 साल हो चुके लगभग, बहुत बढ़िया गेमिंग चेयर है। थोड़ी सी महंगी है मुझे जहाँ तक लगता है 20-22 हज़ार के हिसाब से, बट यार है अच्छी, कंफर्टेबल है काफ़ी। जितनी मर्जी देर गेमिंग करते रहो, जितनी मर्जी देर एडिटिंग करते रहो, ना तो बम दुखेगी ना कमर दुखेगी। तो यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ ताकि बैकग्राउंड में मेरा पूरा सेटअप शो हो। जहाँ पर ये वाला जो साइड है इसको अलग कवर करेंगे, और ये वाला जो साइड है ये मेरा प्ले स्टेशन का कॉर्नर है, इसको अलग कवर करेंगे। काफ़ी लोग जानते होंगे जिन्होंने पुरानी सेटअप वाली वीडियोस देखी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कॉमन है बट बहुत सी चीज़ें नई भी लगी है। तो जो जो नई है वो मैं बताता तो नहीं, क्या खैर सारी बताऊँगा आपको तो A to Z। और करते हैं शुरू भाई एक एक एरिया से। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट्स या DM आते हैं कि टेबल। टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा सेटअप इसी के ऊपर हुआ पड़ा है। तो ये जो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा भाई पीछे जाएंगे तो अब देखो आपको ये टेबल दिख रहा होगा, इन्हें कहते हैं L-shaped टेबल। अब ये बाज़ार में बने बनाए मिल जाते हैं बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके एरिया में भी मिले। मैंने ये कस्टम बनवाया था अपने सलीम भाई से, आप जानते ही होंगे। तो L-shaped टेबल का मतलब ये है कि मेरी एक वॉल पे मेरा PC सेटअप पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा, और एक वॉल पे जो है मेरा प्ले स्टेशन या फिर एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन पूरा जो है सेट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टेबल बना हुआ है। मेजरमेंट मत मांगना, मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि अगर याद आया तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो फटाफट से भाई कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टेशन वाली साइड पे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो मेरा टेबल है वो एक साइड से तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है और एक साइड से थोड़ा छोटा है। तो लंबे वाली साइड पे मैंने PC इसलिए लगाया क्योंकि भाई ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है तो उसके लिए ज़्यादा जगह चाहिए, बट जो मेरा ये प्ले स्टेशन वाला साइड है उसमें थोड़ी जगह कम चाहिए थी इसलिए मैंने इसे छोटा ही रखा है। यहाँ पर कुछ ड्रॉर्स लगे हुए हैं, अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह या कंट्रोलर रख लेता हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा सामान अभी थोड़ा बिखरा सा पड़ा दिखा नहीं सकता, करेंगे सही इसको। तो यहाँ पर मैंने अपने मेनली वो कंसोल्स रख रखे हैं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पे खेलता रहता हूँ, जैसे कि मेरा प्ले स्टेशन 2 हो गया। ये हार्ड डिस्क वाला है, इसमें 160 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, गेम्स लोडेड है सारी की सारी। तो हो गए अब भाई इसको भी 3-4 साल से ज़्यादा। उसके बाद है ये प्ले स्टेशन 3 सुपर स्लिम 500 GB वाला, इसमें भी गेम्स लोडेड है, मुझे डिस्क लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि मैं इन दोनों को बहुत कम ही खेलता हूँ। तीसरा कंसोल है भाई मेरा फेवरेट अभी तक, प्ले स्टेशन 5 आने के बाद नहीं रहेगा फेवरेट, ये है प्ले स्टेशन 4 प्रो। 1 TB ही आता है इसमें, ये जेल ब्रेक नहीं है, इसमें मेरे को डिस्क लगानी पड़ती है। तो जितनी भी आप गेम प्लेस देखते हो, लेटेस्ट गेम्स की अनबॉक्सिंग देखते हो, उनके गेम प्ले सब इसी कंसोल में होते हैं। अब यहाँ पर इस वाले रूम में ना मुझे बड़ा टीवी चाहिए था, बट जब मैंने बड़ा टीवी लिया, कौन सा लिया वो मैं बताता हूँ, बट जब मैंने बड़ा टीवी लिया ना उस टाइम पे यार यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रूम थोड़ा छोटा है और वो टीवी कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तो इसलिए मैंने अपना पुराना ही टीवी यहाँ पर यूज़ करा, जो कि क्या है व्यू का 32 इंचज़ का टीवी। ये एक 1080p टीवी है, इतना कुछ खास नहीं है, बट यार ये है कि रिव्यू जब मुझे बनाना होता है किसी गेम का, गेम प्ले बनाना होता है
तो उसके लिए काम आ जाता है, बट प्रॉपर गेमिंग में मज़ा नहीं आता। तो अभी मैंने अपनी प्लेस्टेशन 4 प्रो कनेक्ट कर रखी है, क्वालिटी वाइज ठीक सा है। तो यार आपको पता ही है कोविड की वजह से अभी ट्रैवल तो हो नहीं पा रहा है, बाइक भी ऐसी खड़ी हुई है तो लद्दाख जा नहीं सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने एक 4K 65 इंच का टीवी लिया है, तो भाई इसी में नज़ारे देख के खुश हो लेता हूँ अभी तो, जब तक ट्रैवल शुरू नहीं हो रहा है। तो ये मैंने PS4 Pro के लिए अपने, और आने वाले कॉन्सोल PS5 Xbox तो मैं लेने नहीं वाला हूँ। PS5 में भाई 4K 65 इंच में आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये रीज़न यही था बेडरूम में लगाने का कि बहुत बड़ा है, तो बेडरूम में ही सूट कर रहा था या फिर हॉल में सूट करता, बट हॉल में AC नहीं था तो रात को कभी गेमिंग करनी होती, इसलिए मैंने हॉल में नहीं लगवाया। सबसे बेस्ट ऑप्शन था कि बेडरूम में लगा लो, और सेटअप रूम में व्यू वाला है ही, बट भाई सच्ची बता रहा हूँ बहुत मज़ा आता है 65 इंच में, और साउंड भी इसकी इतनी प्यारी है, जब कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स खेलो तो मज़ा आ जाता है। वैसे भी मेरे लिए ये घर काफ़ी बड़ा है, तो अपने ये छोटू सेठ जी ब्रूनो काफ़ी लोग आप में से जानते ही होंगे, और ये महाराज सोच रहे इतने सारे कैमराज क्यों करे जा रहे इनके ऊपर, कर रहे बंद कर रहे हैं बेटा, आ रहे हैं बस थोड़ी देर। अब बात करते हैं अपने टेबल के दूसरे साइड की, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ पूरे दिन में, चाहे वो गेमिंग हो चाहे वो एडिटिंग हो। यहाँ पर रखा हुआ है भाई मेरा पूरा PC। अब जब मैंने ये जनवरी फरवरी में ये PC लिया था, उस टाइम पे भाई इसके स्पेक्स बिल्कुल टॉप एंड थे, बट आपको पता ही है अब 30 सीरीज़ आ गई है, प्लस राइजन की भी अगली सीरीज़ आ गई, तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया। बट भाई पुराने का मतलब ये नहीं है कि ये उतना कैपेबल नहीं है जितनी मैं चीज़ें करना चाहता हूँ, बहुत सही स्मूथली सब कुछ हैंडल कर लेता है। तो ओवर थोड़ा ऊपर से बता दूँ तो राइजन 9 3900X लगा हुआ है इसमें, ORS का 2080 Ti लगा हुआ है, इसके अलावा 64 GB रैम है, ORS की 88 GB की नहीं 32 GB, सॉरी गलती हो गई, 88 GB की चार्ज स्टिक है, फुली RGB। केस मैंने अभी कूलर मास्टर का लिया था, आपको पता ही होगा, बाकी एंटी स्पोर्ट के बहुत सारे फैंस लगा रखे ताकि बैकग्राउंड में RGB की कमी ना रहे। अभी मैं इसमें एक बस LED स्ट्रिप की लगाने की सोच रहा हूँ, उसके बाद तो भाई तगड़ा लगेगा, अभी भी खैर बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं भाई अपने मॉनिटर्स की, तो यहाँ पर मैंने ट्रिपल मॉनिटर यूज़ करा है। काफ़ी लोग कहेंगे भैया स्ट्रीम तो करते नहीं हो आप, क्यों ले रखे ट्रिपल मॉनिटर सेटअप, तो जब मैंने ये लिया था उस टाइम पे मैं रेगुलर बेसिस पे स्ट्रीम करता था, बट मैंने 9-10 महीने से स्ट्रीमिंग बिल्कुल छोड़ रखी है, तो अभी मेरा इतना काम नहीं आता है पीछे सेटअप में, बस लुक अच्छी देता है ये, इसके अलावा ट्रिपल मॉनिटर मेरे यूज़ का नहीं है। हो सकता है मैं आने वाले टाइम में जो है स्ट्रीमिंग शुरू करूँ तब भाई काम आएगा। ये जो दो मॉनिटर से नीचे ये है भाई ORS के 2K 144Hz मॉनिटर, बहुत तगड़े गेमिंग मॉनिटर्स है, 2K है अराउंड 50-55 हज़ार का एक मॉनिटर है ये, इसको मैंने खड़ा कर रखा है इन दोनों मॉनिटर्स को Amazon Basics के एक माउंट में, या स्टैंड आता है नाम मुझे याद नहीं है क्या था इसका, तो उस पर ये दोनों मॉनिटर माउंट हो चुके हैं। प्लस इन तीनों मॉनिटर के पीछे मैंने एक RGB स्ट्रिप लगा रखे जिसको मैं रिमोट से कंट्रोल कर सकता हूँ। तो थीम मैं आपको समझा दूंगा रूम की कि ऊपर का मैंने क्यों कलर रखा है और नीचे का क्यों ऐसा रखा है। प्लस इसके ऊपर जो मॉनिटर है वो है भाई LG का मैं ये बताना भूल गया, नीचे वाले 27 इंचेस के मॉनिटर है, और जो ऊपर वाला है वो है LG का 22 इंचेस का 1080p मॉनिटर। तो ये कुछ गेमिंग मॉनिटर नहीं है, ये नॉर्मल चैट्स वगैरह पढ़ने के लिए है, इसमें मैं OBS खोल सकता हूँ, इसमें मैं गेमिंग कर सकता हूँ, और इसमें चलेगी अपनी ऊपर से चैट्स। तो ये ट्रिपल मॉनिटर सेटअप था, इसके पीछे RGB काफ़ी अच्छा इफेक्ट दे रही है। और यहीं पर मैंने रखा हुआ है भाई अपना कीबोर्ड माउस, हालांकि मैंने नीचे ये स्लाइडर लगा रखा था कीबोर्ड माउस के लिए, बट ये थोड़ा लो हाइट पे हो गया जिसकी वजह से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ इसको, तो इसलिए मैंने कीबोर्ड माउस जो है वो टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है। कीबोर्ड में मैं यूज़ कर रहा हूँ एंटी स्पोर्ट्स का MK 3200, माउस है GM 500, और अपना मैट है एंटी स्पोर्ट्स का ही। इसके अलावा भाई यहाँ पर रखा हुआ है मेरा लॉजिटेक का G29 स्टेयरिंग व्हील प्लस शिफ्टर, नीचे इसके पैडल्स रखे होंगे जहाँ से मैं पूरी रेसिंग गेम्स खेलता हूँ। अभी गेमिंग कम कर रखी है बट हाँ खेलता था मैं पहले, GTA 5 में भी मैं काफ़ी गेम प्लेस डाल चुका हूँ स्टेयरिंग व्हील की मदद से। इसी के पीछे रखा हुआ है मेरा लॉजिटेक का C922 प्रो वेबकैम, ये वेबकैम भाई आपको लगभग जितने भी बड़े स्ट्रीमर्स हैं ना सबके डेस्क पे मिल जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ यही होता है अभी तक वेबकैम, बट अब मुझे क्वालिटी थोड़ी सी अपग्रेड करनी है, तो आपको पता ही मैंने सोनी का कैमरा ले लिया है। तो मेरा जो कैनन M50 है, सबसे पहले तो ये मत कहना कि भाई गिव अवे कर दो उसका या बेच दो हमें, क्योंकि वो मुझे यूज़ करना है एज अ वेबकैम, उसमें जो डमी बैटरी आएगी वो मैं खरीद लूँगा और इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा, कि यहाँ पे कैनन वाला मेरा काम आएगा सिग्मा का 16mm के साथ, मस्त जो है वो स्ट्रीमिंग या फिर गेम प्ले में मेरा चेहरा दिखेगा, ब्लर भी मारेगा। साइड में ही मैंने रख रखा है यहाँ पर एक HP का प्रिंटर, जो मेरे ख्याल से मेरे बहुत यूज़ आता है, क्योंकि जब इनवॉइसेस भेजने होते हैं ना तो मुझे बार बार बाहर भागना पड़ता था, तो अब जो है यहीं से स्कैन हो जाता है, फोटोकॉपी भी हो जाता है और प्रिंट भी निकल जाता है। बाकी आप देख ही सकते हो ऊपर की जो पूरी थीम है वो ब्लूइश दे रखी है, और नीचे की थीम देखने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर जो मैंने RGB स्ट्रिप यूज़ करी थी वो मैंने पहले बहुत साल तक यूज़ करी है नीचे ही टेबल के पीछे, बट भाई वो कभी ना कभी ख़राब हो जाती या फिर उतरने लग जाती थी। तो अभी जो मुझे बेस्ट सॉल्यूशन मिला था वो था ये रेनो सोलर की ट्यूबलाइट। इसके बारे में मुझे अंगद भाई ने बताया था, उनके चैनल पर इसका प्रॉपर रिव्यू भी है। ऑनलाइन मिलती है थोड़ी सी महंगी इससे, बट ऑफलाइन ही खरीदी हमने गुड़गांव में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। बहुत यूज़फुल है, उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, देख लेना एक बार। यहाँ पर मैंने दो लाइट्स लगा रखी है पिंक कलर में। ये RGB लाइट्स नहीं होती है, ये खाली कलर्ड लाइट्स हैं। तो अगर ये पिंक है तो ये पिंक ही चलेगी। इसमें चार कलर आते हैं, ब्लू, पिंक, ग्रीन और येलो, रेड। हाँ, तो यहाँ पर मैंने दो पिंक लाइट्स लगा रखी है और इस वाली साइड पे एक पिंक लाइट लगा रखी है। तो आप देख सको कितना ज़्यादा ग्लो मार रहा है। अभी तो मेरे पीछे सॉफ्ट बॉक्स ऑन है, जब ये ऑफ होगी ना आप ऊपर से बी रोल डाल देंगे तो बहुत ही तगड़ा RGB इफेक्ट आता है। तो मेरे यहाँ पे लाइटिंग का सोल्यूशन मिल चुका है मुझे प्रॉपर, ये लाइट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी नीचे ही आप देख सकते हो जो मेरा प्लेस्टेशन वाला कॉर्नर था, यहाँ पर मैंने एक APC का 1100VA का UPS लगा रखा है अपनी PlayStation 4 Pro के लिए, ताकि कभी भी लाइट जाए या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन कुछ भी हो तो मेरा PlayStation 4 जो है वो सेफ रहे। और यहाँ पर लगा रखा है मैंने एक APC का ही 1500VA का, जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा था, क्योंकि मेरा PC हाई एंड है काफ़ी, तो 1100VA झेल नहीं पाता था उस PC को जब मैं हैवी टास्क करता था। तो 1500VA लेना बहुत ज़रूरी है APC का यही। तो ये मैंने यहाँ पर अपने PC के बैकअप के लिए लगा रखा है। बाकी नीचे कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत वायर्स दिख जाएगी, हालांकि वायर्स मेरी सारी लगभग छुपी हुई है क्योंकि मैंने टेबल के नीचे ये कुछ जुगाड़ बनवाया था कारपेंटर वाले भैया से, तो इसके पीछे सारी केबल्स है, बट वो जो कॉर्नर वाली केबल्स है ना वो अभी भी दिख रही है, करेंगे उसका भी कुछ जुगाड़। यहाँ पे अपना राउटर वगैरह लगा रखा है, स्विचेज है सारे, इधर भी कुछ स्विचेज हैं और वायर्स का कर दूंगा, हो जाएगा। तो नीचे की लाइटिंग आपको मैंने प्रॉपर दिखा दी, अभी ऊपर की सारी लाइटिंग्स बंद है। तो जो मैंने बताया था RGB स्ट्रिप है यहाँ पर वो बंद है, तो ये ऑन होने के बाद कुछ इस तरह से लगता है। सेम RGB स्ट्रिप लगा के मैंने TV के पीछे, जो कि ये सेम ही रिमोट से कंट्रोल होती है, तो ये ऑन होने के बाद लगती है भाई, हो जा। हाँ, इस तरह से लगेगी ये, सही है ना। बाकी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये RGB लाइट्स इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है कि ये पूरी वॉल को जो है ग्लो कर दे, तो इसलिए मैंने बहुत टाइम पहले ना फ्लड लाइट्स खरीदी थी, तो उस टाइम पे मेरे रूम में वो काम आई नहीं थी भाई। अभी मतलब कहते हैं ना पुरानी चीज़ें कभी कभी खजाने जैसी हो जाती है, तो अभी मुझे दोनों फ्लड लाइट्स मिल गई है, जो मैंने एक ऊपर लगा रखी है, और इसको ऑन करने पर देखो भाई क्या तगड़ी लाइटिंग आती है इस वाली वॉल पर। और सेम मैंने एक और RGB फ्लड लाइट जो मैंने अमेजोन से ही ली थी वो लगा रखे इस वॉल पे, और इसको ऑन करते ही इस तरह से लाइटिंग आती है। तो अब जो दोनों वॉल्स है उस पर पूरा ब्लू इफेक्ट आ रहा है अच्छी तरह से, और नीचे तो पिंक वाली मस्ती भाई। तो यार ये था मेरा YouTube/गेमिंग रूम या फिर स्टूडियो। तो अभी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए काम कर रहा था, इसके लिए मुझे वॉइस ओवर करना था, तो मैं अपना माइक बताना भूल गया जो मैं यूज़ करता हूँ, ब्लू Yeti। और हेडफोन्स में मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त स्टील सीरीज़ के Artist 7, काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं, लगभग 10 महीने हो गए मुझे दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए। बाकी ये मेरा कंट्रोलर है जो है MYZT का, जिससे मैं अपने GTA 5 के गेम प्ले खेलता हूँ। अभी इसका जो रिसीवर है वो भाई खो गया शिफ्टिंग के चक्कर में। और ये है EverMedia का मेरा कैप्चर कार्ड, ये मेरा पुराने वाला कैप्चर कार्ड है जिससे मैं अपनी PlayStation 4 को रिकॉर्ड करता हूँ। इसके अलावा मैंने एक नया कैप्चर कार्ड भी ले लिया जिससे मैं अपनी PlayStation 5 को रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि वो 4K कैप्चर कार्ड है, ये है 1080p वाला कैप्चर कार्ड। तो चलो भाई फिर इतना ही रखते हैं इस वाले रूम टूर के लिए। काफ़ी लोग चाहते हैं मैं पूरा घर का टूर दूं, बट अभी घर जो है वो थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें रहती है, तो बहुत जल्दी मैं वो कंप्लीट कर दूंगा और उसके बाद एक पूरा भाई हाउस टूर दूंगा कि तीनों रूम किस तरह से सेट करे गए हैं, हॉल में क्या क्या नया लगा है। तो उसके लिए भाई सब्सक्राइब कर दो, वो शायद मैं इंडियन बैकपैकर चैनल पे दूंगा, इस चैनल पे मतलब नहीं बनता। और भाई ये जो सेटअप टूर की वीडियो है ना, ये भी मैं अगर बनाने बैठता ना तो भाई अगले साल ही होता, मैं इतना आलसी हूँ क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। बट अपने जो अंगद भाई है और अभिषेक भाई है वो दोनों यहाँ पर आए थे, उन्होंने प्रॉपर शूट करवा दिया और अंगद भाई ही वीडियो को एडिट करेंगे। तो भाई दोनों ही भाइयों का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अंगद भाई का भी अभिषेक का भी, तो दोनों के जाके भाई सब्सक्राइब करो, चैनल देखो, काफ़ी मदद करी है। और ये वीडियो एडिटिंग कैसी हुई है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी कैसा लगा सेटअप वो भी ज़रूर बता देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका, बाय।